2019 लोकसभा चुनाव में अपने आप को कहां देखती है कांग्रेस? 2019 में कांग्रेस की जीत पर सलमान खुर्शीद का बड़ा दावा। आगामी लोकसभा चुनाव के होने में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है। बीजेपी जहां एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है, तो वही कांग्रेस भी बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर कर हवा बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही 2019 में कांग्रेस की जीत को लेकर आशंकित दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा बयान दिया है। खुर्शीद ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अपने दम पर सत्ता में आना मुश्किल है। 2019 में कांग्रेस की जीत को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये आज स्पष्ट रूप से मुश्किल है। अगर हम सत्ता में अपने दम पर आना चाहते हैं तो हमें 5 साल मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप 3 साल तक गठबंधन में हो और फिर अचानक कहें कि हम अपने दम पर जीतने के लिए लड़ेंगे, तो इसके लिए आपको 5 साल तक लड़ना होगा। आज हम गठबंधन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और गठबंधन को सफल करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इतने नहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन कांग्रेस को रोकने की शर्त पर नहीं बल्कि बीजेपी को रोकने की शर्त पर बनना चाहिए। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये जरूर कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सीट है जो पूरे देश से सीटें पाती है, अन्य सभी दलों को सिर्फ अपने ही राज्य से सीटें मिलती है। यूपी 2 में कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने कहा कि गठबंधन के लिए बलिदान, समायोजन और बातचीत जो भी जरूरी हो, कांग्रेस सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन अन्य दलों का दृष्टिकोण बीजेपी को हराना ही होना चाहिए। गठबंधन कांग्रेस को हराने के लिए नहीं होना चाहिए, गठबंधन बीजेपी को हटाने के लिए होना चाहिए और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।